हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लेके आया दो गाड़ियों का कंपैरिजन। एक जो गाड़ी है किया स्टोनिक AX प्लस और जो दूसरी गाड़ी है वो होंडा सिटी 1.5 स्पायर। इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या फीचर में डिफरेंस दिया गया वो आपको मैं इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन की प्रोवाइड करूँगा। ये 2021 में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दी गई थी और इनके अगर प्राइस ब्रैकेट की बात की जो किया स्टोनिक की करंट इनवॉइस जो है वो इस वक्त 48-50 लाख है और अगर बात करें होंडा सिटी 1.5 स्पायर की इसकी जो करंट इनवॉइस है वो 45 लाख है। इन दोनों गाड़ियों के अंदर क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं और इसकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा। अब चलते हैं दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन की तरफ। ये 2021 मॉडल है, होंडा सिटी ने लॉन्च किया था पाकिस्तान में और ये जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है 1.5 एस्पायर। और अगर फ्रंट लुक की बात की जाए तो सबसे पहले इसकी लाइट्स आती हैं, हैलोजन बल्ब है लाइट्स और ये सामने DLR लाइट्स हैं और इंडिकेटर दिया गया है। और अगर फोग लैंप की बात की वो साथ दी गई है और फ्रंट से इसकी ये लुक है और साथ में आपको इसको क्रोम ग्रिल मिलने की नज़र देखने को मिलती है और होंडा का लोगो है। ये किया स्टोनिक का 2021 मॉडल है और ये किया वालों ने 2021 में पाकिस्तान में लॉन्च की थी और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, AX प्लस वेरिएंट है ये वाला। और इस वक्त मैं आपको जो वाइट कलर है उसका रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका जो फ्रंट है, फ्रंट लुक की बात की जाए तो सबसे पहले जो किया वालों ने इसका लोगो चेंज किया है और न्यू डिज़ाइन में लोगो बना दिया किया ने और सामने से फ्रंट जो है इसकी ग्रिल वो क्रोम में दे दी है, फ्रंट में ह्यूज ग्रिल है। और फिर अगर इनकी इसकी लाइट की तरफ आएंगे तो प्रॉपर LED लाइट है ये वाली और जो डियर लाइट्स हैं वो 4 डॉट लाइट्स पे दी गई हैं। और नीचे आएंगे तो ये फॉग लैंप है लेकिन ये हैलोजन बल्ब है और फ्रंट पे सेंसर भी दिए गए हैं, पार्किंग सेंसर है। और फ्रंट पे अगर बात की जाए तो मैट फिनिशिंग में ग्रिल है, मैट फिनिशिंग में ग्रिल दी गई है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए सबसे पहले इसके अंदर रिम है, ये यूरो स्टार के इसको टायर दिया गया और इसका जो टायर साइज़ है वो 15 इंच का टायर है, 175/65R15 टायर है और ये डायमंड कट स्टाइल के इसके रिम है और रिम बहुत इसके अच्छे हैं। और साइड प्रोफाइल में अगर और बात की जाए तो इसमें क्रोम हैंडल है, क्रोम हैंडल एक और बात अच्छी की गई कि सनवाइज़र दिए गए हैं। और साइड मिरर में जो इसके हैं वो रनिंग जो इंडिकेटर लाइट्स दी गई हैं। और ओवरऑल गाड़ी की लुक बहुत ही खूबसूरत है, वाइट कलर है और वाइट कलर की वजह से इसके अंदर कट भी क्लियर होते हैं, ये कट क्लियर हुए हैं। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो सबसे पहले इसकी मैन फिनिशिंग में जो इसका ये दिया गया है ये पूरा इसके पैनल के साथ बैक साइड जो साइड जो इसकी प्रोफाइल है सबको दिया गया जो मैट फिनिशिंग में है सारा। और इसको स्पेशली जो इसके जो टायर हैं वो मिचलिन के टायर हैं और टायर साइज जो इसका 16 इंच टायर है और 195/55R16 इसका टायर है। और टायर की जो बनावट है रिम की वो खूबसूरत बहुत है और साइड मिरर भी है इसके अंदर, साइड रनिंग लाइट्स जो है इंडिकेटर की वो भी दी गई हैं। और अब इसके जो साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो गाड़ी ओवरऑल देखने में बहुत खूबसूरत है। रूफ़ की तरफ आएँ तो सबसे पहले इसके ऊपर रूफ रेल्स हैं और फिर रूफ के अंदर सनरूफ दिया गया, पैनोरामिक रूफ नहीं है इसके अंदर। बैक से बात की जाए तो बैक जो होंडा ग्रेस लॉन्च की गई थी हाइब्रिड तो उससे बिल्कुल मिलती जुलती गाड़ी है और बैक पे भी क्रोम की लाइन दी गई है और होंडा का लोगो और एस्पायर CVT है ये 1.5 तो उसका भी दिया गया और ये सिटी का लोगो जो जैसे कि सिटी है। और नीचे देखा जाए तो इसको प्लास्टिक की लगी हुई है ये और ये रिफ्लेक्टर है और शार्क कंटेनर भी दिया गया है। बैक साइड पे देखा जाए तो शार्क कंटेनर है और बैक लाइट और ब्रेक लाइट्स भी है। बैक प्रोफाइल की बात की जाए तो इसके साथ ही डिफ्यूज़र है वो भी सिल्वर में है और बैक पे पार्किंग सेंसर है और रिफ्लेक्टर एक जो इसका एग्जॉस्ट दिया गया बैक पे और इसकी बैक में ये किया का न्यू लोगो है और ये इसकी जो लाइट है ना ये लावा लाइट शेड देती है, लावा लाइट्स हैं इसकी। और बैक स्क्रीन पर वाइपर भी दिया गया है और इसकी बैक लाइट भी दी गई है इसके बैक साइड पे और ये इसका एक स्पॉइलर है और बैक साइड पे एंटीना भी दिया गया है इसके। अब बात करते हैं इसकी बैक सीटिंग कैपेसिटी की, बैक पे लेग स्पेस कितनी है इसकी और बैक पे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं।
सबसे पहले देखा जाए तो इसके अंदर आपको एसी के वेंट दिए गए हैं और यूएसबी की स्लॉट दी गई है, आप चार्जिंग के लिए देख पावर दी गई है। और सबसे अच्छी बात जो इसके इसकी जो सीट्स हैं वो लेदर की सीट्स हैं और बीच सीट्स के साथ दी गई हैं। ये कप होल्डर भी साथ में है और लेदर पैकेज है ये, क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है ये वाला। और इसकी लेग स्पेस की बात की तो अगर सीट काफ़ी पीछे है तो लेग स्पेस काफ़ी है इसके अंदर। और बैक में स्पीकर भी दिए गए नीचे, और नीचे स्पीकर के साथ जो छोटे छोटे ट्विटर होते हैं वो भी साइड में मेंशन किए गए हैं, जिससे साउंड की क्वालिटी इंप्रूव हो गई। अब बात करते हैं बैक पर जो इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है और लेग स्पेस और हेड स्पेस कितनी है। और देखा जाए तो लेग स्पेस इसकी इतनी नहीं है, यानी कि सीट अगर पूरी पीछे की जाए तो आप लॉन्ग ट्रिप पे नहीं सफ़र कर सकते। और इसका जो बैक पे इन्होंने नीचे यूएसबी की स्लॉट दी गई है, और जो इसका जो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो इसको लेदर पैकेज के साथ दिया गया, ब्लैक लेदर पैकेज है इसका। और अगर इसके बैक डोर की बात की तो इसके जो ये बैक जो हैंडल है ये उन्होंने सिल्वर लाइनिंग में दिया है, और ये ऑटो का ऑप्शन जो शीशे का साइड मिरर जो है नीचे करने के लिए वो साइड पे दिया गया, और बैक नीचे पे भी स्पीकर इंक्लूड है इसके अंदर। अगर बात की जाए लॉन्ग रूट पे जाने के लिए तो ये गाड़ी 4 पैसेंजर के लिए इनफ है, 5 जो पैसेंजर होगा वो तंग होगा एक तरह का। और ये बैक भी इसकी लाइट जो हर गाड़ी में दी गई है उसमें भी दी इंक्लूड है। और अब चलते हैं इसके फ्रंट इंटीरियर की तरफ के इसके अंदर क्या क्या फीचर दिए गए हैं। और फ्रंट साइड पर बात की जाए तो कीलेस एंट्री है इसकी, और सीटिंग की जो एडजस्टमेंट है वो मैनुअल है, ऊपर आगे नीचे बैक पे। फ्रंट देखेंगे तो सबसे पहले आपको इसका स्टीयरिंग नज़र आएगा, और इसके अंदर 2 एयरबैग हैं और एक स्टीयरिंग में है और एक पैसेंजर साइड पे है। और इसकी जो एलसीडी की है, एलसीडी का डिस्प्ले वो 9 इंच का डिस्प्ले है, और ऑटोमेटिक गाड़ी है ये वाली। और इसका जो टच पैनल के साथ इसका एसी क्लाइमेट कंट्रोल है, और ये इसका पुश स्टार्ट का बटन है, और ये इको मोड इस राइट साइड पे दिया गया है, और ये शीशों की एडजस्टमेंट है साइड मिरर की वो यहाँ पे दी गई है। और अगर देखा जाए तो सीट्स जो हैं आप कह सकते हैं जो ऑटो मिरर है फ्रंट वाला, जो राइट साइड पे ड्राइविंग साइड वाला मिरर ऑटो है, और बाकी 2 मैनुअल दिए गए हैं। और ओवरऑल गाड़ी की लुक अंदर से बहुत ही अच्छी है। और ये पुश स्टार्ट बटन है इसका, और ये अब स्टार्ट हो गई है, और इसका मीटर बहुत ही खूबसूरत है, ब्लू एंड वाइट टच में इसकी लाइट है। और ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये इसकी फ्यूल की एवरेज और किलोमीटर बता रहे हैं, और साथ में इसके जो ये लेफ्ट साइड पे इसका आरपीएम है, और 220 का इसका मीटर है। और ये डिस्प्ले है सामने, इसका डिस्प्ले है, ये इसका टच पैनल आपको सिखाता हूँ, टच पैनल बहुत अच्छा है इसका। एसी के वेंट्स दिए गए हैं, और इसका जो लेदर है इसकी जो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी दी गई है, ये लेदर है काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और ये इसका एसी का सिस्टम है, टच सिस्टम है, सिंगल क्लाइमेट कंट्रोल एसी है इसके अंदर, ये फ्रंट रियर एसी आप सारा सिस्टम है, ऊपर टेम्परेचर लो करना हो आपने तो सारा दिया गया। तो स्टीयरिंग में बात की जाए तो क्रूज़ कंट्रोल भी है, 15 cc की सिटी में फर्स्ट टाइम क्रूज़ कंट्रोल आया है, और ये क्रूज़ कंट्रोल यहाँ से मेंशन है, और ये प्लस माइनस जो आपने सेट करना क्रूज़ वो कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड पे एज यूजल जो इसके आते हैं वाइपर्स कि देखा है, गाड़ी ओवरऑल बहुत ही अच्छी बनाई गई गाड़ी, और लेदर सीट्स हैं, मैंने आपको पहले बताया कि इसकी लेदर सीट्स हैं, और ये आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट भी दिया गया है इसके अंदर। और ये इसके अंदर जो गियर है वो पहले इसके अंदर, इसमें एस गियर भी है और एल गियर भी है, और एक साथ ही इसके अंदर कप होल्ड भी दिए गए हैं, और बैक मिरर भी इसका दिया गया है, और ये फ्रंट पे लाइट है, और इस साइड पे भी आपको मिरर देखने को मिलेगा। और फ्रंट पे जाने के लिए इसके अंदर जो कीलेस एंट्री है और इसका जो अनलॉक है, और
जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो इसकी जो सीट के एडजस्टेबल है वो मैनुअल है, आगे पीछे ऊपर नीचे जो मैनुअल कर सकते हैं। और अगर साइड मिरर की बात की जाए तो विंडो ओपन नीचे के लिए फ्रंट वाला जो ऑटो है ड्राइविंग साइड वाला, और बाकी जो इसके एक तरह के मैनुअल है। और ये दो मिरर लॉक सिस्टम है, और ये साइड मिरर के एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ से की जाती है। और अगर बात की जाए सबसे लेफ्ट साइड पे आपको नजर आएगा ट्रैक्शन ऑफ का बटन, और फिर नीचे इसकी जो सेट करने का जो सिस्टम है वो आएगा, फिर लाइट की ब्राइटनेस हाई और लो करने का, और लाइट की जो सेटिंग ऊपर नीचे करने का आपको साइड लेफ्ट साइड पे आपको स्टीयरिंग के साथ नज़र आएगा इसका सिस्टम। और ये एसी के वेंट्स हैं, और एसी के वेंट्स के साथ जो चीज़ दी गई है वो पियानो ब्लैक कलर की ग्रिल है, तो बहुत ही खूबसूरत लुक देती है पियानो ब्लैक कलर में। फ्रंट की बात की जाए तो सबसे पहले इसका आता है स्टीयरिंग, और स्टीयरिंग में जो एडजस्टमेंट है वो वॉइस कमांड है, मोड इधर चेंज होते हैं, और प्लस माइनस का इधर से आपको कंट्रोल कर सकते हैं, और आप कॉल अटेंड यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से जो मोड है वो सारा क्रूज़ कंट्रोल का है, आप जो सेट कर सकते हैं क्रूज़ कंट्रोल। और इसके अंदर जो फ्रंट पे देखा जाए तो दो एयरबैग दिए गए हैं, एक स्टीयरिंग में है और एक आपको लेफ्ट साइड पर मिलेगा, और दो एयरबैग दिए गए हैं। और इसका जो जो सिस्टम है LCD का सिस्टम है उस वो जो है 220 का मीटर है, और सामने जो जो आपको LCD नज़र आ रही है वो उसमें आपको डिजिटल मीटर शो होता है, और इसकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी डिजिटल मीटर में आपको LCD में देखने को मिलेगी। गाड़ी के अंदर जो आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का उस सिस्टम से आपको गाड़ी के मीटर में देखने को मिलेगा। और बात की जाए LCD की तो इसकी जो LCD है वो 8.2 इंच की है, और ये टच पैनल के साथ है, अगर आपने टच नहीं यूज़ करना तो ये आप इसको बटन भी दिए गए हैं, और बाहर से ऑन ऑफ का भी सिस्टम दिया गया है। और जैसे ही नीचे आएंगे तो आप देखेंगे ये 3 इंडिकेटर के सिस्टम है, और ये लॉक अनलॉक का सिस्टम इधर दिया गया है। और नीचे जैसे आप देखेंगे तो ये इसका सिंगल क्लाइमेट कंट्रोल डिजिटल AC है, और ये ऑटो AC भी है, और ये आप फ्रंट पे बैक पे आप जो ऑफ ऑन करना है तो आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ये 12 वोल्ट का इसको चार्ज दिया गया है, USB की स्लॉट भी दी गई है इसको, और ये काफ़ी कप रखने की स्पेस भी दी गई है। और ये इसका जो गियर का ट्रांसमिशन है वो पार्किंग आर न्यूट्रल ड्राइव, और ये मैनुअल भी ड्राइव हो जाती है, प्लस माइनस का ये आप इसको शिफ्टिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर। और इसका जो पार्किंग सिस्टम ये दिया गया है, और इसकी जो हैंडलिंग ब्रेक है जो ब्रेक हैंड ब्रेक है इसकी, और आपको इधर देखने को मिलेगा तो ये कप होल्ड भी मिलेंगे देखने को आपको, और ये आर्मरेस्ट भी है इसका, और ये आप इसलिए आप इसके अंदर आर्मरेस्ट रख सकते हैं। और इसका जो ये बात है कि लेदर और प्लस फैब्रिक में इसको इसकी सीट देगी, और जो बहुत ही अच्छी लुक दे रही है। अगर आप इसके डैशबोर्ड की बात करेंगे और डुअल टोन में है तो ऊपर वाला लेदर में है, और नीचे वाला जो है ये जो चीज़ है प्लास्टिक में दी गई है, और काफ़ी खूबसूरत लुक दे रही है। ओवरऑल गाड़ी के अंदर इंटीरियर की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है फ्रंट से, बैक पे थोड़ा सा इशू है बैठने के लिए, लेग स्पेस कम है। 4 स्पीकर दिए गए हैं, 2 फ्रंट पे दिए गए हैं, 2 बैक पे दिए गए हैं, और जो सारी इसको जो लाइनिंग है, और सबसे पहले इसके अंदर जो ये सिस्टम येलो लाइन का भी टच इसको दिया गया है। ये LCD के इर्द गिर्द इसको ना जो येलो लाइन है ये उसके ऊपर पेपर लगा हुआ है, तो सारा जो सिस्टम है येलो लाइन दी गई है इसके ऊपर, जो गाड़ी की लुक को एक अच्छी लुक प्रोवाइड करती है येलो लाइंस। और इसके जो मिरर है बैक मिरर वो ऑटो डिफ्यूज़र मिरर है, अगर हाई बीम आपके कोई पीछे से करेगा तो ऑटोमेटिक आपकी आई से ये एडजस्टमेंट कर लेगा। और ये लाइट का सिस्टम है इसका, और ये इसका सनरूफ है, इसके टॉप ऑफ लाइन में सनरूफ भी दिया गया है। और अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ, और इंजन का जो है वो इंजन का जो पोर्शन है वो यहाँ दिया गया है। 1.5 एस्पायर है, फुल ऑप्शन जो गाड़ी है होंडा सिटी की। और इसकी अगर हॉर्स की पावर की बात की जाए तो इसकी 118 हॉर्स पावर है, और 145 का इसका न्यूटन टॉर्क है, और ये 15 cc गाड़ी है, होंडा EVTEC इंजन है इसका। और इसके अंदर जो बैटरी दी गई वो AGS की बैटरी दी गई है। अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ, तो इंजन का ऑप्शन इसका यहाँ दिया गया है। इंजन की बात की तो 14 cc इसको इंजन दिया गया है, और ये 6-speed ट्रांसमिशन सिस्टम है इसके अंदर, और ये फ्रंट व्हील ड्राइव है इसकी। और इसका अगर हॉर्स पावर की बात की है तो 98 हॉर्स पावर है, और 132 का इसका न्यूटन टॉर्क है इसका,
किया स्टोनिक 14 सीसी में आती है और सिटी की बात की जाए वो 15 सीसी में आती है। इनमें सिर्फ 100 सीसी का फ़र्क है। और अगर बात करें इसकी प्राइस ब्रैकेट में तो किया स्टोनिक इससे महंगी है। किया स्टोनिक जो करंट इनवाइस है 48-50 लाख है और सिटी की बात करें 1.5 फुल ऑप्शन की उसकी करंट इनवाइस 45 लाख है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कौन सी गाड़ी इस प्राइस ब्रैकेट में परचेज करनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दुआओं में इस बाइक को याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।